के बताओ। हाँ सबकी बताओ, सबकी सबके बताओ। हाँ सीधी बात। हाँ ना ना सबका नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर जाता है नीचे तो नहीं आता है। हाँ पता नहीं उसका, वजन यही है तेरे आँखों के सामने है भाई। आँखों के सामने आपको वजन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, दिस इज बॉय उमर आ रहा है। तो आज जो है मंगल वाला दिन है, तो मंगल हर मंगल को जो है मंडी लगती है साखरों के अंदर। तो आपको मैं मीरपुर साखरों के अंदर मंडी दिखाता हूँ, बहुत बड़ी मंडी लगती है। तो जो जो चीज़ें होंगी, जानवर होंगे, आपको दिखाते हैं, चलते हैं, मेरे साथ रहिए। इतना प्यारा हो रहा है सामने का, ये यहाँ से मंडी बंदे। और ये मेरे जो पीछे है, ये वाली पीछे है, ये पूरी मंडी है साखरों, मीरपुर साखरों की, जो मौजूद है ठट्ठा के अंदर। ठट्ठा से थोड़ा आगे घारो के अंदर रास्ता आ जाता है मीरपुर का साखरों। पीर मंगल, मंगल वाले दिन हर मंगल को यहाँ पर मंडी लगती है। यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, मतलब के बकरा, भेड़, ईच एंड एवरी थिंग, मतलब मुर्गी और कबूतर, हर चीज़। तो जैसे 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 ईद करीब आ रही है, वैसे वैसे रश बढ़ता जा रहा है। वो एक गावा खड़ा हुआ है, उसके सिंग बड़े दिख रहे हैं, वो भरना चाहिए। ये मंडी है ये अली भाई, बताना ये आपका ये गाबा है, ये इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताना, इसका कितना किलो है वजन और क्या क्या चीज़ें। वजन है इसमें 9 मन का हो गया। अच्छा, इसकी कद कितना है? कद 4 फुट 5 फुट हो गया। अच्छा, आपने माशाल्लाह इसको बड़े नाज़ों से पाला है, इसलिए इसकी हाइट और खूबसूरती इसकी मिसाल है माशाल्लाह। देख सकते हैं, इसका कोई नाम वाम रखा है आपने? नहीं, नाम नहीं रखा। क्यों? हाँ नाम रखे और नहीं। अच्छा, क्या आपने क्या कीमत लगाई है इसकी? कीमत 2.5 अढ़ाई अढ़ाई लाख अच्छा कम हो गया, कुछ ऊपर हो गया। हाँ अली भाई, ये जो मंडी है ये कितने सालों से लगती हुई आ रही है? कितने सालों से मंडी लगती मंडी है? ये बहुत पुरानी हो गई है। अच्छा, ईद की वजह से मतलब आमदोर अब बढ़ जाती है इसकी? हर हफ्ते में लगेगा। हाँ है ना। इसकी प्राइस क्या होगी दोनों की? इसकी प्राइस 2.5 है। 2.5 लाख दोनों की। अच्छा, इसका वजन कितना है और इसका वजन कितना है? वजन को अंदर वजन वजन कितना है इसका? 3 मण है, 3.5। इसका 3 मण? हाँ कम। इसका इसका 4 मण, उसका थोड़ा कम। हाँ आप बताएं थोड़ा। नाम वाम रखा है इन दोनों का? नहीं नहीं, नाम हमने किधर रखा है। अच्छा, आप यहीं के हैं, साखरों के हैं? हम वर्षर के। वर के हैं जी। अच्छा, ये अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बशीर है। बशीर, बशीर भाई मरी हो गया आप? हाँ। ओ मरी भाई, क्या हाल है? क्या हाल है? जोर है, मस्त है। ये जो आपके दोनों दोनों गाबे आपके हैं? हाँ। आओ, इनकी दोनों की कितना वजन होगा? इसकी वजन तकरीबन 5 मन है। इसकी? हाँ। और इसकी? इसकी तकरीबन 3.5 मन है। इसका 3 मन, कीमत 3.5 मन। क्या कीमत लगाई हुई आपने? 3.5 मन का? हाँ। 90,000। और इसका? इसका 1,30,000। हल बड़ी कीमतें आई लगी बड़ी हैं। और क्या करो, मंडी का यही रेट है। अच्छा। हाँ मंडी का यही रेट, मंडी का यही रेट। हाँ, क्या कीमतें गिरेंगी या नहीं? अभी मुश्किल करेंगे। अच्छा, बढ़ेंगे? पाकिस्तान का हर शे ऊपर जाता है। अच्छा, नीचे तो नहीं आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर जाता है नीचे तो नहीं आता है। हाँ बिल्कुल। और बड़े जोर है, मस्त है। तुम ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं मंडी में? ये हमारा गुलामला पे गांव है, हमारा बाहर मंडी पे आता हूँ।
मतलब कितने सालों से मंडी लग रही है आपको पता है? ये मंडी तकरीबन ये मंडी बहुत पुराना टाइम 20-30 साल हो गया। अच्छा 20-30 साल हो गए इस मंडी पे चल रहे। यहाँ पर तकरीबन गाबे ही दिख रहे हैं और कुछ मतलब बकरे तो दिख ही नहीं रहे। रेट बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ के। 10 साल से ये मंडी लग रही है, 10 से 15 साल हो गए इस मंडी को। और बकरे देखने तो बकरे कहाँ पर है, बकरे दिखने रहे यहाँ पर। और आगे चलते हैं, क्या क्या सीन है वो दिखाते हैं आपसे। माशाल्लाह ये गाबा दिखाया है यहाँ पर, बाकायदे जानदार। अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम क्या है? पीरबख्श। पीरबख्श भाई, ये जानवर आपका है? जी हाँ। माशाल्लाह पीरबख्श भाई, इसकी क्या क्या वजन है? उसका वजन यही है तेरे आँखों के सामने है भाई। आँखों के सामने आपको वजन तो पता होगा ना? वजन इसका जानवर अच्छे जानवर का क्या वजन? अंदाजा मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आप थोड़ा बता दें तो। 6 मन, 6.5 मन। 6.5 मन। और क्या कीमत आप मांग रहे हैं? मांग रहे हैं 5 लाख। 5 लाख। अच्छा पीपर्स भाई, इसको लगता है आपने बहुत नाजों से पाला है। अपने बाड़े का पला हुआ जी। अपना बाड़े का? हाँ बरंदा भाई जी। तो सारे आपके? कितनी कीमत है इन सबकी? पहले पूछा है अलग अलग। सात बताओ, सात। सात के बताओ? हाँ सबकी बताओ, सबकी। सबके बताओ? हाँ सीधी बात। 26 का पूछा। 26? 26 का पूछा। अच्छा एक एक का 26। एक एक का 26,000? 26 के उतरते तो नहीं है यार ये। सारे जितने भी हैं ये एक, ये 26 का, ये 26 का, ये 26 का, 26,000 है ना। अला भला बड़ी कीमतें हाई लगी बड़ी। चाचा 23 का लेके आया, ये लगते नहीं है 26 के, मगर बस क्या करें महंगाई ज़्यादा हो गई है और 26 का बेच रहे हैं। बहुत हाई रेट है यहाँ के। बकरा मतलब कुर्बानी करना भी जो है ना बड़ा बहुत मुश्किल हो गया। सारे 26 छब्बीस हज़ार कम नहीं होंगे? कम हो के तुम बात करेगा तो होगे। कम हो गए ना तुम बात करेगा तो होगे। कितने का है ये? अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मुर्तजा। मुर्तजा भाई क्या हाल है? ये किसका आपका है? जी हाँ। कितने का है? 45। कितना वजन है इसका? इसका है 35 वजन। 35 किलो वजन है। अच्छा वो था गाबों का पोर्शन, ये बकरों का पोर्शन। ये एक और जोड़ी मिल गई भाईजान, ये आपकी है? आओ। कितने कीमत मांग रहे हो? 75,000 मांग रहा हूँ। 75,000 मरी साहब हो जी? आओ मरी हो जी। आले बड़े जोर है मस्त है, बड़ा है, बैठा है। अच्छा कितना वजन है इसका? गोश्त का वजन या? हाँ हाँ गोश्त का वजन। 20 किलो हो जाएगा। 20 किलो कीमत कितने मांग रहे हो? 75,000 दोनों की। आओ रो रे, कलर तो बड़ा प्यारा है दोनों, मतलब दोनों जोड़ी है, एक ही माँ की बेटी है। हाँ एक ही माँ की बेटी है। अच्छा भाई, तस्वीर भी मार रहे हो भाई? भाई ये बात ना
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? जी जी जी, यहाँ की डॉक्यूमेंट्री बनाए पीछे। ये बकरों वाला पोर्शन है और ये वापसी गाबे। यहाँ पर गाबे बहुत ज़्यादा हैं, बकरे बहुत कम हैं, क्योंकि गाबे बहुत लोग लेते हैं और बकरे बहुत कम लेते हैं, इसकी वजह से गाबे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, बकरे की तादाद बहुत कम है। और सामने जो है भैंसे हैं, बकरे ये रहे। ताजी आपके हैं? अच्छा, ये दो चार वो छह दाने होगी। आपका नाम क्या है? दिलावर। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई, कैसे हो? तबे ठीक है? अच्छा दिलावर भाई, कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हो? मेरे को 5-6 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह, मंडी को कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मंडी को बहुत अरसा हो गया तकरीबन, फिर भी इसको नहीं, 18-19 साल हो। अच्छा 18-19 साल। आप क्या कीमत मांग रहे हो अपने बकरों की? सर मैं तो मांग रहा हूँ 40-42 मांग रहा हूँ, 30-34-32। अच्छा क्या, कितना वजन कितना है सबका, अंदाजा लगाओ? सर इनका तो मैं बोलता हूँ 20-22 किलो वजन है। 20-22 किलो वजन है? हाँ। अच्छा माशाल्लाह, आप खुद कहाँ से हैं? मैं टंडो आदम का हूँ। अच्छा टंडो आदम से हैं आप? हाँ। वाह, मैंने बोला था ना कि मतलब जगह जगहों से लोग आते हैं। और कहाँ कहाँ से यहाँ पर लोग आते हैं? ये बहुत बहुत दूर से आते हैं। अंदाजा फिर भी? कराची से, यहाँ सिंध से, टंडो आदम, शहदादपुर, सांगढ़। अच्छा। हाँ हाँ, खेपरो, नवाबशाह। कौन नवाबशाह? आप भाईजान नवाबशाह से हो? हाँ मैं नवाबशाह। आपका नाम? शफी है भाई। शफी, शफी, शफी भाई। शफी भाई, ये सारे बकरे आपके हैं? जी जी। अच्छा हाँ, नवाबशाह से तो वहाँ पर नहीं मंडी लगती? नवाबशाह हम व्यापारी है, जहाँ मंडी लगे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्या कीमत है आपके बकरों की? ये फाइनल 50 का पुट्ठा मांग रहा हूँ। अच्छा दोनों, ये भी आपका, ये भी आपका? सारे आपके। अच्छा एक इसकी कीमत क्या है? इसके फाइनल 50 है। फाइनल 50 है। क्या वजन है इसकी? ये 35-30 किलो। 35 और 30 किलो। अच्छा वाह, आप कितने सालों से आ रहे हो यहाँ पर? बकरों का स्टोरी क्या, हमसे पूछा तेरे को क्या तकलीफ है? हाँ हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, क्या हाल है? कैसे, उर्दू आती है आपको? उर्दू बोल लेते हो यार? इसके आप माशाल्लाह, ये पहले ही बकरा दिखाया यहाँ पर ऐसा। क्या क्या कितना किलो वजन है इसका? दो मन है। चाचा सही आप बताओ, 2 मन वजन है? अलाबल माशाल्लाह, लगता भी है 2 मन का। कितनी कीमत मांग रहे हो? 1,30,000। 1,30,000 बाकी? अच्छा तो 2 मन वजन है। नाम वाम रखा है इसका? क्या नाम रखा है इसका? नाम वाम कुछ। फिर भी कहाँ से हो आप? साकुर ग्वारा से। ग्वारा से। नाम क्या है आपका? हनीफ। हनीफ भाई, हनीफ जात भाई, दल दल, हनीफ दल। अच्छा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हमारे पास बकरा है। आ जाए आ जाए आ जाए। ये आपके हैं? मरी साहब। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यार सब ठीक हो? ये आपके हैं बकरे? बिल्कुल अपने हैं ये। अच्छा क्या की क्या वजन है इसका? यार वजन तो हमने काटा नहीं किया, फिर भी अंदाजा मन है। मन है इसका? ये भी एक ही, ये सबका। अच्छा क्या क्या कीमत मांग रहे हैं इसकी? मैं इसका तो 70-70 मांग रहा हूँ। 70-70 हज़ार। अच्छा कितने साल हो गए आपको यहाँ? हमारा साल पूरा हो गया इसका। अच्छा आप कहाँ के मरी हो, मतलब कौन से वाले मरी हो जात आप? मैं जो है ना इधर ही का रहने वाला, बलोचिस्तान हमारा भाई का कभी उतरी है। अच्छा वैसे कहाँ से हो यहाँ पर? बहारों में साकरों में रहते हो? साकरों में रहिए लेट पे? नहीं साकरे पे। साकरों में? अच्छा है। अच्छा जरूर बड़े। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। यार अभी इसमें क्या है, 70-70 क्या है रेट? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है बाकी रेट माशाल्लाह, बकरा जबरदस्त है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ कहना? आपको कितना टाइम हो गया आप पीढ़ी में आ रहे हो इसमें? हम तो हर पीढ़ी में आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा,
कितने साल हो गए आते हुए यहाँ पर? हमारा अपना जमीन है, जमींदारी भी करता है, बकरा भी पालता है। अच्छा, अच्छा। हर मंडी में आता है व्यापार के लिए, बकरा खरीद कर देता। अच्छा, सही 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 सही। माशाल्लाह इस दफा बहुत रेट हाई है यार। रेट हाई नहीं है, महंगाई है। महंगाई है, महंगाई वजह से ना। तो ये बकरा कितने का है? 40-40-30 बकरे का रेट नहीं होता। अच्छा अच्छा, अभी इसका जो है ना खर्चा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा, बचत नहीं होती ना। जैसे जैसे मतलब बकरा ईद का नजदीक आ रही है, फिर और महंगा हो जाएगा। ये 70,000 का, फिर आप कितने का देंगे? मतलब 80,000 में बिकेगा। अच्छा, तो लाजमी इधर 70 में लेगा, 60 में लेगा तो 5 रुपया कमाने के। लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। अभी इधर कराची का किराया कितना है? बिल्कुल सही बात है। मंडी में उतरेगा उसका अड्डे का कितना है? बहुत किराए, बहुत ज्यादा महंगे हो गए किराए, बस क्या करें। बस ये महंगाई वजह से हम लोग खड़ा है। अरे ये हो गई मंडी के व्लॉग, यहाँ पर खत्म होता है। अब अपन चलते हैं बाइक की तरफ। बहुत लोगों से फीडबैक लिए, बातें की, बड़ा मजा आया, बहुत खुश था। यहाँ पर ही मंडी का व्लॉग इख्तिताम पजीर होता है। और आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। आपको बहुत कुछ दिखाया और बहुत कुछ सिखाया और सबसे फीडबैक लिया। आपका भाई उमर आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय। Allah Hafiz, thanks for watching.